हो जाइए सावधान, अगर आप प्लास्टिक यूज करते हैं तो आज से प्लास्टिक पर लगा पूरे बिहार में बैन। आज सिवान के नगर परिषद और प्रशासनिक द्वारा कई दुकानों पर चालान काट कर किया गया फाइन। क्या पूर्ण लोगों की जानकारी है? अभी नहीं है जानकारी, अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। जो हमारे प्रशासनिक विभाग है उनको भी जानकारी नहीं है कि प्लास्टिक में कौन सा प्लास्टिक बन रहा है, क्योंकि जो बिहार सरकार का साइट है जिसमें पॉल्यूशन बोर्ड का साइट है उस पर लिखा हुआ है कि कोई भी जिस पर हम सामान को वितरण कर सकते हैं वो बंद है, बट अभी इनके द्वारा नगर पालिका के द्वारा ये प्रचार किया गया है कि सारे प्लास्टिक बंद है। इवन वो इस प्लास्टिक को भी बोल रहे हैं बंद है, ये थर्मोकोल का प्लेट है, इसके ऊपर जो पैकिंग आइटम है इसको भी ये बोल रहे हैं बंद। तो ये तो पैकेजिंग आइटम है, इसमें सामान ले नहीं जाया जा रहा जो बिहार सरकार का पॉल्यूशन बोर्ड का जो साइट है उसके अनुसार, बट उनको ये नहीं पता है। मैंने उनसे सवाल किया कि ये दुकान भी बंद होना चाहिए चिप्स कुरकुरे का, तो बोलते हैं कि नहीं ये बाहर से पैक होता है इसलिए ये बंद है। तो फिर यहाँ जो छोटे इंडस्ट्री लगाए हुए हैं जो ये सिर्फ कुरकुरे बोतल पर पैकेजिंग करते हैं वो क्या करेंगे, वो किस में पैक करेंगे? तो पूर्ण रूप से जानकारियाँ नहीं होने के कारण जानकारियाँ नहीं है किसी को, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है क्या बंद करें और क्या करें। चीज़ें कि हम लोग किसी कोई भी चीज़ का पता नहीं है क्या पैक बंद है क्या नहीं बंद है, कौन सा प्लास्टिक बंद है कौन सा प्लास्टिक नहीं बंद है, जो मिल रहा है हम लोग उनको बेच रहे हैं, इससे बाजार में जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। कोई सामान ना साइज का मिल रहा है ना उनको हिसाब से मिल रहा है, ये महंगा भी पड़ रहा है। कितना अंतर पड़ा है प्लास्टिक और ये अभी जो थैला बेच रहे हैं दोनों में? अभी तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है, महंगाई पे भी असर पड़ेगा इसको। हाँ, इस पे पड़ेगा, ये 2 रुपए 3 रुपए के प्लास्टिक पड़ जा रहा है जिससे दुकानदार लोग को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, उसमें महंगाई पड़ेगी। क्या नाम है? विनोद कुमार। मिला है लेकिन यही बिक रहा है, यही लोग जो है कि नहीं कह रहा है कि बिकेगा, और बाकी कुछ जानकारी अभी है नहीं कि कौन बंद हुआ है कौन चालू हुआ है। कितना असर पड़ा है, कितना महंगाई बढ़ा है उससे और ये प्लास्टिक में अंतर है? बहुत असर पड़ा, बहुत। मतलब कितने वो कैसे बेचते थे, ये कैसे किलो है या प्लास्टिक कैसे किलो था? प्लास्टिक सस्ता था और ये महंगा है। कैसे किलो ये मार्केट में बिक रहा है? अभी तो ये 230 से लेकर 240 रुपए तक मार्केट में। लोग खरीद रहे हैं कि नहीं? अभी अभी लोग खरीद रहा है, उसमें भी अभी लोग बहुत लोग को जानकारी नहीं है कि प्लास्टिक पूर्ण रूप से बंद है, ये प्लास्टिक है कि क्या है, बस बिक रहा है लोग बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू कुमार, दुकानदार हैं आप। अभियान प्रारंभ किया है, आज 23 दिसंबर से पूरे बिहार में प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। अब सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों ने 2 महीने में व्यापक जन जागरण कराया, लेकिन अब आज से हम लोग जुर्माना वसूली की कार्रवाई चालू कर रहे हैं और रेड मार रहे हैं। अब किस तरह से प्लास्टिक बंद? प्लास्टिक जितना कैरी बैग है जिसमें सामान ढोया जाता है चाहे कितनी भी मोटाई का हो सब पर प्रतिबंध। सर, दुकानदारों को ये नहीं मालूम है कि जो पैकिंग मटेरियल डब्बा है वो पैकिंग मटेरियल पर अभी नहीं रोकते, पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल, लेकिन दुकान वाले बता रहे हैं कि आप लोग इसकी जानकारी नहीं है कि आप पैकिंग मटेरियल पर आप लोगों ने बैन लगाया है? पैकिंग मटेरियल अभी नहीं, जो बन के आती है बाहर से उस पर कुरकुरे दूध की सामग्री खाने के सामान जो पैक होकर आ रहे हैं उस पर अभी रोक रहे हैं। स्थानीय जो यहाँ पे जो प्लांट लगे हुए हैं जिसपे फॉर्म बनाए जाते हैं फॉर्म का जो प्लेट है उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर किया जाता है उसको बैन के लिए प्लास्टिक उसको बैन रहे, लेकिन दुकान वाले बता रहे हैं आपको इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है? नहीं, हम लोगों ने सरकार से निर्देश मांगे हैं उसके लिए, अभी वेट एंड वॉच में, तो अभी उसको कार्रवाई नहीं की है। कितना फाइन सर दुकानदार पे और कस्टमर पे? 2000 रुपया दुकानदार में अभी उन्होंने फाइन लगा रहे हैं, और जो कस्टमर पकड़े जाएंगे उसमें 100 रुपये। अभी कोई पकड़ाया भी है सर? अभी पकड़ाया है, जुर्माना उसको लग गया। थैंक यू।